मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं पिज्जा बना रही हूँ। पिज्जा? पर चीज तो था नहीं घर पे। आज मैं डिफरेंट तरीके का पिज्जा बना रही हूँ। तेरा पिज्जा खाने का मन था ना, तो हाँ बिना चीज का डिफरेंट जो तूने कभी खाया ही नहीं होगा ऐसा। अच्छा, ऐसे कौन से पिज्जाज हैं? एक तो गर्मियों का कूल कूल पिज्जा, अच्छा और एक रशियन सैलेड हमने बनाया था तो रशियन सैलेड का पिज्जा, ओके। और एक मैं बना रही हूँ समोसा पिज्जा। उसमें पिज्जा का भी मजा होगा और समोसे का भी मजा होगा। वाह, ये सब तो बड़े इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं। आज चलो मैं, बनाते हैं। हाँ, मैं पिज्जा बेस बनाने के लिए आटा गूंद लेती हूँ। तो अच्छा ये मैंने ये वाला 1.5 कप आटा लिया है, ओके। ठीक है। और इसमें ये मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ, मैदा से नहीं बना रही हूँ। और इसमें मैंने आधा मग दूध लिया, गुनगुना दूध। उसमें 3 चम्मच ये ड्राई ईस्ट डाला है, अच्छा ड्राई ईस्ट, और 1 चम्मच चीनी डाली है। तो अच्छा और इसमें फिर उसको मैं, आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, 20 मिनट के हाँ, बीस अराउंड। मिनट के लिए छोड़ दिया। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, पहले आटे में नमक डाल के मिक्स कर देंगे, फिर इसमें ये दूध डालेंगे। हम इसमें ये दूध डालेंगे जिसमें ईस्ट है और चीनी है। चीनी से ईस्ट जल्दी राइज होता है, इसलिए हमने उसमें चीनी भी डाली। ओके, इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है टेबलस्पून। और 1 छोटा चम्मच मैंने तेल भी डाला है। ये आटा हमारा गूंद गया है, थोड़ा अच्छा सॉफ्ट डोई गूंदना है हमें बनाना है। और ये इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के और इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है, ये राइज हो जाए हाँ, तो ताकि ये तेल राइज हो हम जाए, इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये सूखे नहीं। हाँ। और इसको गीले गीले कपड़े से ढक के और इसको रख दे। हमारा आटा अच्छे से राइज हो गया, अब हम इसे तेल का हाथ लगा के और तैयार कर लेंगे। तो राइज होके ये ऑलमोस्ट वैसा हो गया कि डबल हो दुगनी गया, क्वांटिटी का हो हाँ, गया। डबल। ठीक है। हम इसके अलग अलग टाइप के पिज्जा बना रहे हैं, तो हम इसको, अब इसका जो ये है बेस, इसे भी हाँ हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। अच्छा तो एक तो हम इसमें पैन में बनाएंगे, तो आप कोई सा भी पैन ले लो और उसको गरम करने के लिए रख दो पहले से, अच्छा और उसमें स्टैंड रख दो, और एक प्लेट में तेल लगा के और उसके ऊपर ये प्लेट इसको, आपने तेल लगा के हाँ, रखी हुई तेल है। लगा के रखिए। तो इसमें हम इसको पिज्जा बेस को रख देंगे, ओके और 2 हम उसमें रखेंगे अवन में, अवन को ओके हमने प्री हीट कर लिया है, और 1 हम उसमें एयर फ्रायर में बनाएंगे। ठीक है। तो जिसके पास जो चीज या जो जिस चीज में बनाना चाहे वो उसमें बना सकता है, नॉर्मल और कोई उस, भी फ्राइंग हाँ, पैन भी यूज कर सकते हैं। पर ये है कि उसको अच्छे से ढक के रखना है जिससे वो अच्छे से बेक हो जाए दोनों तरफ से, ठीक है। क्योंकि, और आपने स्टैंड इसलिए रखा है ताकि उस पर डायरेक्ट हीट हाँ ना लगे और वो जले नहीं हाँ और वो अच्छे से ऊपर नीचे से पक जाए। ये प्लेट में सेट कर दिया। हाँ इसको ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये गर्म है, और इसको हम ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। ढक्कन से इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। इसको 15 मिनट के लिए रखा है हमने, ओके। आप हाथ से ही बेल रहे हो हाँ, और अगर लोग चाहें तो बेलन बेलन से से भी भी बेल बेल सकते सकते हैं, हैं। हाँ। और ये आसानी से, कितना आसानी से हैंडल हो रहा है। इसकी मोटाई कितनी रखनी है? इसकी आधा सेंटीमीटर के करीब रखनी है, पर हम थोड़ा थिन क्रस्ट पिज्जा बना रहे हैं इसलिए हम इसकी मोटाई कम ही रख रहे हैं थोड़ी सी। ओके। इसको हम फोक से इसको फोक कर लेंगे तो सेकने जिस, रखने से पहले हम हाँ, ऐसे कर देंगे। जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए, और इसमें जो सॉस वगैरह हम डालेंगे वो इसके अंदर तक चली जाए और ये फूले भी नहीं, फूलेगा तो उसमें फिर। अवन हमारा गर्म हो गया, हमने प्री हीट करने रख दिया 5 मिनट के लिए, अब हम इसमें 10 मिनट के लिए पिज्जा रखेंगे, फिर देख लेंगे बीच में कि हो गया या नहीं। अब जब तक हमारे बेस तैयार हो रहे हैं और थोड़ा सा ठंडे होंगे, इतनी देर में हम समोसा पिज्जा की तैयारी कर लेते हैं। तो ओके। उसके लिए हमने तेल गरम किया है, कढ़ाई आप, में हाँ, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हो, घी, तेल। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, और इसमें अब मैं डालूंगी आलू को।
आलू को हाथ से एकदम मैश करके डालना है। तो आपने उबला हुआ आलू लिया है? हाँ, उबला हुआ आलू लिया है और इसको एकदम मैश करके डालना है। ओके, जिससे कि वो उससे अच्छे से स्प्रेड हो सके। तो हम बेसिकली समोसे में जो आलू की फिलिंग होती है वैसा कुछ बना रहे हैं। हाँ, तो मैंने इसमें डाला है नमक, मिर्च और अमचूर थोड़ा सा, और थोड़ा सा गरम मसाला। ओके, आपको इसमें से जो भी मसाला अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा करके और डाल सकते हैं। ठीक है, और भी ऐड करना चाहें तो, जैसे प्याज व्याज भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन समोसे में प्याज जनरली नहीं डलता है तो इसलिए हमने नहीं डाला है। हरा धनिया डाल, ग्रीन ग्रीन धनिया। तो ये हमारा आलू का मसाला रेडी हो गया है और ये हमारे तीन बेस जो हैं वो भी पक के रेडी हो गए हैं। ये वाला बेस जो है वो हमने फ्राइंग पैन में गैस पे सेका है, ये वाला जो है ये हमने अवन में सेका है, और ये वाला जो है ये हमने एयर फ्रायर में सेका है। तो अवन में और एयर फ्रायर में जो हमने सेका है वो हमने 200 डिग्रीज पे 5-5 मिनट के लिए सेके हैं बस, और ये वाला जो है गैस पे जो सेका है वो सबसे क्विकली हो गया था, सबसे अच्छे से हो गया था। तीनों का टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है। अभी हमारे पिज्जा तैयार हो गए, पिज्जा बेस, और हम सबसे पहले समोसा पिज्जा बनाएंगे। ओ यम। तो ये हमने आलू बना लिया था इसके लिए। तो जैसे सूखे आलू बनाते हैं हम या समोसे का पूर बनाते हैं, ऐसे बनाए समोसे का मसाला बनाया। हाँ, समोसे का मसाला बना लिया। अब हमने इस पे आलू का वो लगा लिया, अब इस पे हरी चटनी डाल देंगे जो हम समोसे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, तो समोसे के सारे फ्लेवर्स अच्छे से। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी सौंठ भी डाल देंगे। वाह, चाहे तो इस पे थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। ये हमारा हो गया समोसा पिज्जा तैयार। फैंटास्टिक, लुक्स रियली रियली यमी। अब मैं बनाऊंगी रशियन सैलेड वाला पिज्जा। ओके, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा हंग कर्ड ले लिया, हंग कर्ड नहीं एक्चुअली पानी निकाला हुआ दही है, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। तो आपको दही इसके लिए थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए, पानी पानी वाला होगा तो पिज्जा खराब हो जाएगा। हाँ, और इसमें मैंने डाला नमक और डाली काली मिर्च और डाली थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग। ओके, ओरिगैनो वाला जो मिक्स मिलता है वो। हाँ, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी मस्टर्ड सॉस। रशियन सैलेड में मस्टर्ड सॉस का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी ठंडा। वो क्यों? अगर दही में थोड़ी सी भी खटास होगी तो वो निकल जाएगी। ओके, और स्मूथनेस आ जाएगी उसकी। हाँ, ड्रेसिंग में। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ही डालना है ताकि वो ज्यादा पानी पानी और बहुत ज्यादा पतली ना हो जाए। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल लेंगे। वेजिटेबल्स में अपनी पसंद की वेजिटेबल्स जो भी हो वो डाल लें। तो आपने लिए ब्रोकली, बीन्स, गाजर, गोभी, कॉर्न, और उनको आपने पहले से जरा सा बॉईल करके गला लिया है। थोड़ी सी इसमें शिमला मिर्च, थोड़ा ये सा कच्ची शिमला मिर्च। हाँ, है थोड़ा सा प्याज, चॉप हुआ हुआ प्याज, और थोड़ा सा रेड कलर के लिए टमाटर, और ये मैं थोड़ी सी एलोपिनो डाल रही हूँ। तो एलोपिनो बनाने के लिए हम थोड़ी सी कम तेज मिर्च लेंगे, थोड़ी मोटी वाली, और उसको उसमें डाल देंगे सिरके में। ओके, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उससे एलोपिनो बन जाएगी। बहुत इजी होता है एलोपिनो बनाना। इसकी ड्रेसिंग के लिए इसके ऊपर पहले मस्टर्ड टॉपिंग के लिए, हाँ, मस्टर्ड सॉस लगा रही। ये अपनी टेस्ट के अनुसार इसको लगाना है, कम या ज्यादा, या अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। तो पिज्जा बेस जो है वो आपने पूरे पका लिए थे क्योंकि आप टॉपिंग लगाने के बाद उनको पकाने नहीं वाले थे। हाँ, अच्छा, अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या ऑयल कुछ लगा लें
नहीं तो वो अगर देर में खाना हो तो बटर या ऑयल लगाएं, नहीं तो वो सॉगी हो जाएगा. और अगर तभी खाना हो तो आपकी चॉइस है, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं. ओके, बटर और ऑयल या कोई भी चीज़ जो हाँ. लगा रहे हो वो सबसे पहले बेस पे लगाएं, उसके बाद जो भी सॉस और टॉपिंग लगानी है वो लगाएं. को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे. तो हम इस पे डेकोरेशन कर रहे हैं ब्रोकली से. आप चाहें तो किसी भी चीज़ से, टमाटर से, ब्रोकली से, खीरे से, प्याज से, किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते. ये हो गया हमारा रशियन सैलेड पीस. लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्दी. ये हम इसमें लगा रहे हैं नीचे शेजवान सॉस. ये मैंने घर में बनाई है, आप चाहें तो बाजार की ले सकते हैं, चाहे इसकी जगह टोमेटो सॉस लगा सकते हैं. और इसमें नीचे जरूर वो लगा लें थोड़ा सा मक्खन, जिसे सॉगी ना हो, पर वो भी ऑप्शनल है, तभी तभी खाएं तो ना लगाएं. तो ये है हमारा तीसरा पिज्जा और ये है कूल पिज्जा. मैं हंग कार्ड में मैंने डाला खीरा, टमाटर, प्याज. तो ये हमारे पिज्जा की टॉपिंग है. बेस में हमने लगा ली शेजवान सॉस और अब हंग कार्ड में हमारे शिमला मिर्च, प्याज, खीरा, टमाटर ये सब चीजें डाल रहे हैं. और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग. ये ओरिगैनो सीजनिंग है जो पिज्जास पे डलती है. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसको बना के ना रखें पहले, क्योंकि अगर इसमें नमक डाल देंगे तो खीरा और प्याज नमक पानी छोड़ देगा, जिससे पिज्जा खराब हो जाएगा. अब इसको पिज्जा पे लगा, पिज्जा पे लगा. ये तो एकदम यूनिक आइडिया है आपने, बहुत ही यूनिक पिज्जास इन्वेंट करे हैं मुझे ऐसा लगता है. बस गर्मी में ठंडा ठंडा पिज्जा, पिज्जा का भी मजा. और अगर देखा जाए तो ये सब कितना हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने आटे का बेस बनाया है, हमने ज्यादा तेल वगैरह यूज नहीं किया है. टॉपिंग्स में भी हम हेल्दी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे दही, सब्जियां. अब इसको सजाने के लिए हमने ये लिए टोमेटो रिंग, वो टेम्पटिंग लग रहा है ना. यस, अब इसके ऊपर हम लगा सकते हैं टमाटर और एलोपिनो. ये सब चीजें ऑप्शनल है, अपने टेस्ट के हिसाब से सब लगाएं. अब ये वाला जो पिज्जा है इसमें एकदम देसी टेस्ट देंगे. कैसे? इसमें मैं लगा रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी. ओह वाओ. इसमें मैं डालती हूँ धनिया और उसके साथ या तो कच्चा आम या उबला हुआ आंवला. ओके. तो ये और भी हेल्दी होती है. धनिया जो है उसमें विटामिन सी होता है और आंवला तो विटामिन सी का खजाना ही है. और हम बनाएंगे इसकी टॉपिंग, कूल पिज्जा 2 की टॉपिंग. तो ये दही है, इसमें हमने डाला खीरा, टमाटर, चॉप्ड अनियंस, प्याज. गर्मी में कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए, उससे लू नहीं लगती है. यस. अब ये डाला हमने शिमला मिर्च. तो प्याज और लहसुन जो होता है वो लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं. हाँ बस ये है कि बहुत ज्यादा घी तेल में ना पकाएं. गर्मियों में कच्चा प्याज खाना चाहिए, और घी तेल में पकाने से तो हैवी हो जाता है. और कच्चा खाने से वो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया भी डाला है, हरा धनिया काट के. और इसमें मसाला डाले नमक और काली मिर्च बस. ओके. क्योंकि चटनी में ऑलरेडी काफी स्पाइस और मसाला है तो इसलिए. हाँ. अब इसको इसके ऊपर लगा देंगे. अब ये हमारा इस पे लग गया स्प्रेड. अब हम इस पे लगाएंगे, डेकोरेशन करेंगे खीरा और ये शिमला मिर्च. तो ये लंच या डिनर के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं. पिज्जा जिसको खाना है उसको पिज्जा भी मिल गया, मम्मियों को ये भी सेटिस्फेक्शन हुई कि उन्होंने कुछ हेल्दी खिलाया है और पेट भी भर जाएगा. बच्चों ने मजे में खाया और चाहें तो बच्चों से डेकोरेशन कराएं तो उनको जरा ज्यादा मजा आएगा खाने में. ये हमारे 4 पिज्जाज रेडी हो गए हैं. ये है रशियन सैलेड पिज्जा
जिसमें वेजिटेबल्स हैं। ये हैं हमारे दो कूल पिज्जाज जिसमें खीरा टमाटर वगैरह डला हुआ है, और ये है समोसा पिज्ज़ा।